पहचान लीजिए गौर से, यही वो सातिर चोर है जो मोरवा इलाके में घुसकर सोने घर में वारदात को अंजाम देते हैं। घर से सोने चांदी और कीमती सामान उठाकर लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। आपको बता दें, इनके साथ नाबालिग लड़के भी हैं जिनका चेहरा हम नहीं आपको दिखा सकते, लेकिन आप गौर से देखिए, यही वो सातिर चोर हैं जो मोरवा इलाके में घरों में चोरियां करते हैं। आपको बता दें, यही वो सातिर चोर हैं, गौर से देखिए और इनसे सावधान रहिए और सतर्क रहिए और लोगों को भी बताइए। आपको बता दें कि यह एक बार नहीं कई कई चोरियां कर चुके हैं, लेकिन पुलिस की पकड़ से कोसों दूर रहते थे। आखिरकार पुलिस के शिकंजे में यह सातिर चोर आ ही गए। एक बार और गौर से देखकर पहचान लीजिए, यही वो सातिर चोर है। नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार सोनी है और जो कैमरा चला रहे हैं उनका नाम रंजन है और इस समय हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के मोरवा थाना इलाके में। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से चोरों का आतंक यहाँ बरकरार था। आज मोरवा पुलिस ने उसका खुलासा किया है, जिसपे आप हमारे पीछे देख सकते हैं तीन लड़के खड़े हैं जो चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। बहरहाल अभी ये आरोपी हैं और बताना चाहेंगे, पुलिस ने टोटल 2.5 लाख रुपए की रिकवरी की है ज्वेलरी लेकर और कुछ सामान भी बरामद किए गए हैं। आइए इस विषय में हम पहले आपको कैमरामैन को बोलेंगे, एक बार थोड़ा सा दिखाएं इनको कि पीछे खड़े हैं जो तीनों लड़के हैं, और इसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे नगर निरीक्षक महोदय से कि आखिर जो चोरी हुई थी कहाँ कहाँ हुई है और कितने की रिकवरी बरामद की गई। मोरवा इलाके में पिछले कई दिनों से चोरियाँ हो रही हैं, जिसको लेकर इलाके में सनसनी फैली हुई थी। आज मोरवा पुलिस ने उसका खुलासा करते हुए एक लगभग 2 लाख के ऊपर की रिकवरी की है, जिसमें कुछ आरोपी पकड़ाए हैं। आइए जानने का पूरा प्रयास करते हैं। नगर निरीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और वो पूरी विस्तार से जानकारी बताएंगे। सर, जो आज चोरी हुई थी, चोरी लगभग 8-10 दिन पहले हुई थी और दो जगह में चोरी हुई थी, जिसमें एक जगह से टीवी की चोरी हुई थी और एक जगह जो NCL में डॉक्टर साहब हैं उनके यहाँ सोने चांदी गहने और नकदी की चोरी हुई थी। 5 चोरों को पकड़ा जा करके और उनके पास से चोरी गया माल लगभग 2,75,000 रुपये का बरामद किया गया है और आज चोरों को नए कवरेज में भेज दिया गया है। लेकिन आपको बता दें, इसमें से 2 चोर जो थे नाबालिग थे और नशे के आदि हुआ करते थे और रह के हमेशा कई बार भी जा चुके हैं पूर्व में भी। सर, जो अभी जो रिकवरी की गई है इसमें जो नाबालिग हैं, इससे पहले भी वो पकड़ाए हुए थे क्या? हाँ, पहले पकड़े गए थे। अब चूँकि नाबालिग बच्चों को सुधारने के लिए ही कानूनी रूप से जो प्रावधान उनका पालन किया जाता है, तो निश्चित रूप से उनको बाल न्यायालय में भेजा गया है और वहाँ से उनको सुधार गृह में भेजा जाएगा। पूरी रिकवरी कितने की हुई, कितने लाख रुपए की? लगभग 2,75,000 रुपए के कुल सामान की रिकवरी हुई है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। चलते चलते एक चीज बोलना चाहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। साथ ही गूगल प्ले स्टोर में जाकर पोल पोल पोस्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जिससे नई अपडेट आपको तुरंत मिले। साथ ही आपको एक खुशखबरी देना चाहेंगे कि हमारा जो है FM रेडियो जल्द चालू होने जा रहा है। धन्यवाद।